सीखेंगे बहुत नई चीज, क्योंकि बुक में स्पेशली लिखा है कि खाना खाते टाइम क्या होता है हमारे साथ, खाना खाते टाइम कैसे हम नई चीजों को वेलकम करते हैं और कैसे हमारी लाइफ में मैनिफेस्टेशंस काम करती हैं। हे द लवीज, हाउ आर यू ऑल। डे 8, चैप्टर नंबर 8, प्रैक्टिस नंबर 8 इज ऑल अबाउट इंग्रेडिएंट्स। लाइक खाना खाते हैं पिज्जा, डोसा, इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, कितने सारे टाइप्स होते हैं खाने के और हम कितना इंजॉय करते हैं। लाइक मैं तो बोलूँगी मेरा पहला प्यार तो फूड है, उसके बाद कुछ और, क्योंकि खाना होता है, जान आती है, काम कर पाते हैं और पैसा कमा पाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। और अगर खाना ही नहीं खाएंगे तो फिर क्या करेंगे, सो बोरिंग। बेसिकली यहाँ पे चैप्टर में ऑथर ने बोला हुआ है कि वट एवर इज हैपनिंग इन योर लाइफ, जो सारी चीजें आपकी लाइफ में होती हैं एक इंग्रेडिएंट की तरह काम करती हैं। कभी बहुत मिठाई वाली चीज आ जाती है, स्वीट चीजें, कभी एकदम चिली तीखा वाली चीजें आ जाती है लाइफ में, कड़वा करेला जैसी सिचुएशन हो जाती है, वहीं कभी लाइफ में डेरी मिल्क वाली चॉकलेटी लाइफ हो जाती है। हम सबके अपने अपने टेस्ट होते हैं, हम सबके अपने अपने इंग्रेडिएंट्स होते हैं, हम सबके मतलब इंग्रेडिएंट्स आर सेम, लेकिन हम लोग की चॉइसेस बहुत अलग होती है फूड से रिलेटेड। ऐसे ही यहाँ पे ऑथर ने बोला है, ये आपकी पूरी लाइफ भी एक इंग्रेडिएंट की तरह है। यू आर एंजॉयिंग, आप स्वीट्स खाते हो, कुछ लोग को स्पाइसी बहुत पसंद होता है, कुछ लोग को इटालियन बहुत पसंद होता है, ये सब कुछ हमारी चॉइसेस होती हैं। लेकिन इसका ग्रैटिट्यूड से, मैजिक प्रैक्टिस से क्या रिलेशन है, अब इसको ध्यान से सुनना। ये सारी चीजें जब बनती है ना, जो हिंदी में एक बहुत बड़ी कहावत है, दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम, मतलब जब ये चीजें मैन्युफैक्चर होती है, लोग इसका प्रोडक्शन करते हैं, कहां से वो कॉफी का डब्बा मेरे घर आ गया, क्यों, मेरे लिए ही तो बना है। ऐसे ही आपके साथ होती है, हर चीज इस दुनिया में जो होती है लिखी हुई है कि ये आपके साथ होगा, अभी होगा, इस वक्त होगा या कल होगा। सब चीजों से मिलके आपकी पूरी लाइफ डिसाइड होती है। जो चीजें अभी आपके साथ प्रेजेंट में हो रही हैं, ये सब कुछ ब्रह्मांड ने पहले ही लिख कर रखा हुआ है। आप मुझसे जुड़ेंगे, ब्रह्मांड ने ये पहले लिख कर रखा है। आप अपने स्पेसिफिक पर्सन से उस तारीख को मिलेंगे, वो भी यूनिवर्स ने लिख कर रखा है। लेकिन 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 हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें इन इंग्रेडिएंट्स को एंजॉय करना है। व्हाट एवर थिंग्स आर हैपनिंग, आप पानी पीते हो, आप अच्छा खाना खाते हो, आप अच्छे रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाते हो, कॉफी डेट पे जाते हो, कैफे पे जाते हो, ये सारी चीजें आपकी लाइफ में एक ब्लेसिंग होती है। बहुत बुरा लगता है ये सोच कर भी और बोल कर भी, कैसे बहुत लोग हैं जो यू नो भूखे सोते हैं। रोड पे जाकर देखो, उन जगह पर जाकर देखो कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो भूखे सोते हैं। इसलिए हमेशा खाना दान करा करो, स्पेशली टू ऑल द पीपल। भले यार किसी को पैसा मत दो, मैं तो ये बोलती हूँ कि अगर आप कहीं जा रहे हो, आपको कोई पुअर पीपल दिख रहा है, भले किसी को पैसा मत दो, लेकिन कुछ खाने का जरूर देकर। स्पेशली आज मैं अपना एक बहुत बड़ा यू नो सच आपको बताऊंगी जो मैं करती हूँ। आई नो, प्लीज मुझे इसमें जज मत करना। कभी भी मैं कहीं बाहर घूमने जाती हूँ विथ माई फ्रेंड्स, विथ माई फैमिली, और अगर कोई आता है कि यू नो पैसे दे दो या ये दे दो, आई ऑलवेज से नो, पैसा तो नहीं दूंगी। यू वॉन्ट एनी थिंग, मैं आपको वो ला कर दूंगी, बिकॉज आई कैन नॉट ट्रस्ट एनी वन कि वो उस पैसे का क्या करे। कभी कभी तो छोटे छोटे बच्चे ड्रग्स में हो जाते हैं, यू नो दे कंज्यूम सिगरेट्स एंड ऑल द थिंग्स, तो मुझे उन चीज़ों से डर लगता है, तो मैं कभी पैसा नहीं देती। हाँ, भली ज़्यादा पैसे का खिला दूंगी, लेकिन मैं पैसा नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे इसको लेकर डर लगता है कहीं वो बुरी हैबिट्स में ना पड़ जाए। सेम गोज विद एवरीवन, टू ऑल ऑफ यू, जो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में है, ये भी एक इंग्रेडिएंट होती है। और हमेशा फूड जो आप कंज्यूम करते हो, जिससे आपकी जिंदगी चलती है, उसका ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर दो। दिन में आप कितनी बार पानी पीते हो, बहुत बार, और पीना भी चाहिए, पानी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑलवेज डू ग्रैटिट्यूड ऑफ द वॉटर, क्योंकि कोई पानी के लिए तरस रहा है इस दुनिया में, कोई खाने के लिए तरस रहा है, उन लोग के पास नहीं है, अपने पास है, तो अपन इसको लेके ग्रैटिट्यूड करेंगे। जितना हम इसको ग्रैटिट्यूड करें, ज्यादा फ्यूचर में ये सारी ब्लेसिंग्स हमारी लाइफ में आएंगी। फूड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, जो कि होना चाहिए। और वही आज मैजिक बुक बोलती है कि आपका इंग्रेडिएंट ही आपकी ब्लेसिंग्स को बढ़ाता है। लेकिन इंग्रेडिएंट कौन सा इंग्रेडिएंट, योर फूड, जो आप खाते हो, जो पानी पीते हो, एंड कहीं भी घूमने जाते हो, इंजॉय करते हो, ये सब आपकी लाइफ के एक इंग्रेडिएंट है। कभी कभार हम खाने को बुरा बोल देते हैं, अरे ये नहीं खाना, ये अच्छा नहीं लगता, लेकिन भली मत खाओ, लेकिन उसका ग्रैटिट्यूड होना जरूरी है कि आज ही मेरे पास, क्योंकि हम अपनी चॉइस के बेसिस पे खाना खाते हैं ना। बट वी शुड लव एवरीथिंग जो यूनिवर्स ने हमारे लिए बनाई है, क्योंकि इंडियन फूड इज मोर यू नो फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। और आप जो चीज करते हो, वट एवर इट इज, जो आपको बहुत अच्छा लगता है, अपने आप को वो दिया करो, और फूड का ग्रैटिट्यूड अपनी लाइफ में दिन भर बढ़ाते जाओ, क्योंकि जितना ज्यादा ग्रैटिट्यूड करोगे, फ्यूचर में वही ब्लेसिंग बनके आपकी लाइफ में आएगा।
आज हम क्या करेंगे रात, आज वो स्टोन पकड़ेंगे अपने हाथ में रात को सोने से पहले, और आज के दिन हमने जो चीजें खाई हैं, इतना सारा पानी पिया है, जो भी चीज हमारे साथ हुई है फूड से रिलेटेड, इंग्रेडिएंट से रिलेटेड, हम उसका ग्रैटिट्यूड करेंगे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा प्रीशियस है हमारी लाइफ में। अगर आप उस चीज का ग्रैटिट्यूड करोगे फ्यूचर में वो चीज आपके लिए बन जाएगी। लेकिन आज हम कमेंट में थोड़ा कुछ डिफरेंट लिखने वाले हैं। डू कमेंट योर फेवरेट रेसिपी जो आपको खाने में बहुत ज्यादा पसंद है, योर फेवरेट डिश जो आपको कंज्यूम करना बहुत अच्छा लगता है, वो कोई इंडियन फूड हो सकता है, चाइनीज हो सकता है, इटालियन हो सकता है, एनीवे, लेकिन आप मुझे आज कमेंट करके जरूर बताना, लेट मी सी आप लोगों का फेवरेट क्या है। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, राधे राधे।